45 साल से ये मस्जिद बनी हुई है। तो यार मैं ना आप लोगों को इतनी यूनिक चीज बताऊंगा ना अमेरिका के बारे में कि लेकिन वो बता रहे नमाज के टाइम पे 2-3 बंदे लोग आते हैं भाई, इतनी बड़ी मस्जिद। ये जो इलाका है ना भाई, ये पूरा ना गांव जैसा एकदम अजीब सी है जगह। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? लो भाई, हम लोग एक और वीडियो के साथ फिर से आ गए और आज मेरे साथ में फिर से सलीम भाई भाई यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में। तो आज एक्चुअली हम लोग ना घर से आए हुए, हम लोग 1 घंटा ड्राइव कर गए। अभी एक्चुअली मैरीलैंड स्टेट में इतना कुछ देखने के लिए है ना कि मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर ये वाली वीडियो बनाओ। तो ना सबसे पहले काम करता हूँ, पहले ना मैं आप लोगों को मस्जिद बताता हूँ। और अब तक जितनी मस्जिद में गए थे इतनी भीड़ थी, काफी सारे लोग दिख रहे थे आप लोगों को। आज की जो मस्जिद में हो ना भाई, ये देखो ये मस्जिद है, ठीक है? और भाई एक पब्लिक नहीं है सिवाय सलीम भाई और मेरे। पता नहीं क्या माजरा है। हाँ, पता नहीं क्या माजरा है, एक आदमी नहीं यहाँ पे ना। तो मस्जिद ना आदम की जात। तो मस्जिद पे भीड़ रहती है, रमजान का महीना है, खाने पीने की बाहर होती है, खुशबू आती है, लोग नमाज पढ़ते रहते हैं, दुआएं मांगते हैं। पता नहीं, हालांकि आज से नहीं है, मैं 35 साल से इसका यही हाल देख रहा हूँ। अच्छा, 35 साल से। तो ये मस्जिद एक्चुअली बनी थी भाई आज से 1974 में ये मस्जिद को बनाया गया था। और भाई ये मस्जिद को बनाने के लिए कम से कम $500,000 1970 में उन्होंने डोनेट किया था। अच्छा। ये मस्जिद को बनाने के लिए 1974। और सलीम भाई यहाँ पे इतने टाइम से आ रहे हैं, 35 साल हो गया और अभी ऑलमोस्ट 1974, ऑलमोस्ट कितना यार, 45 साल हो गया यार इस मस्जिद को बने हुए। 45 साल। जहाँ तक मुझे मालूम है सामने हॉस्पिटल है। हाँ, और इस हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर है और मुस्लिम है तो वो सब टेक केयर करता है। हाँ, मुझे पता नहीं भाई, माफी चाहता हूँ, लेकिन वही डॉक्टर साहब सब टेक केयर करते हैं। क्या बात है, हाँ, इतना बड़ा सा हॉस्पिटल है, देखो सामने व्हाइट कलर का पूरा बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे। और ये एरिया में जो हम लोग आए ना, ये कालवर्ट काउंटी करके मैरीलैंड में आता है, मेरे घर से ना ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पर है। अब जैसे सलीम भाई ने बताया भाई, ये मस्जिद की टेक केयर करने वाले भाई एक डॉक्टर साहब है। अब देखो यार क्या खूबसूरत सी मस्जिद है यार, मतलब कौन देखकर बोलेगा। पहली बात तो यार अमेरिका में मस्जिद होना ये थोड़ा सा एक यूनिक चीज है, ठीक है? साथ ही साथ में अमेरिका में भाई 45 साल पुरानी मस्जिद। और ये जगह भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना भाई, एकदम अजीब सी है जगह, पूरा गोरों का इलाका है। सिर्फ गोरे रहते हैं यहाँ पे? 90% तो मेरे को सब गोरी नजर आते हैं। अच्छा, तो मतलब जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है ना भाई, वो यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगी। इनके साथ में जो मॉस्क में गए थे, ठेठ गोरों का इलाका है। यहाँ आपको कोई वॉलमार्ट नहीं दिखेगा, जायंट नहीं दिखेगा, बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो हाँ, कंट्री साइड है। करेक्ट। तो ये जो बोल रहे ना वॉलमार्ट जायंट, ऐसा आप लोगों को नहीं पता रहेगा भाई, वॉलमार्ट जायंट बेसिकली यहाँ पे ना होलसेल का मतलब से दुकानें होती है शॉपिंग वगैरह, तो जो लोग घर का सामान वगैरह लेते हैं, राइट सलीम भाई? है ना। और ये जो इलाका है ना भाई, ये पूरा ना एक गांव जैसा है, मतलब गांव मतलब एक इसको ना इसको कंट्री साइड बोलते हैं। कंट्री साइड मतलब है ना, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखेगी, डाउनटाउन नहीं दिखेगा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल नहीं दिखेंगे जैसा इन्होंने बताया। ये एक प्रॉपर एक कंट्री साइड जो अमेरिका में ना भाई बहुत खूबसूरत होता है। अभी आप खुद अंदाजा लगाओ, एक इतने बड़े इलाके में भाई इतनी बड़ी मस्जिद, उसका पार्किंग लॉट ही देख लो कितना बड़ा है। कम से कम यहाँ पे वहां पर पार्किंग है, इसके वहां पर पार्किंग है, पीछे की तरफ पार्किंग है, तो इतना बड़ा अगर पार्किंग लॉट अगर इन लोगों ने बनाए हैं तो मतलब आप समझ लो एरिया कैसा होगा भाई। अगर ये इंडिया में होता ना तो एक मोहल्ला बन जाता, अंदर चले जाओ जितनी जंगल है। हाँ, अगर ये इंडिया में होता ना, हाँ, तो वीरप्पन आ ही जाता। सलीम भाई बोल रहे कब्जा कर लेता, लकड़ी काट काट के बेचता, एक आध पुष्पा खड़ा ही हो जाता। सही बोल रहे सलीम भाई, वीरप्पन आ जाता यहाँ पे अगर इस इलाके में। ये इस जंगल की बात कर रहे हैं, पीछे देख रहे हो आप लोग, ये पूरी जगह मतलब ये पूरी मस्जिद की ही जगह है पूरी ये। हाँ सलीम भाई, पूरी मस्जिद की जगह है ये सारी। और ये खूबसूरत से यहाँ पे झाड़ देखो, और एक चीज देखो, ये इतना पुरानी मस्जिद है कि भाई इसके दरवाजे तक के अभी तक के उस जमाने से देखो भाई लकड़ी के दरवाजे बनाए हुए। ये देखो कौन देख कर बोला मैं इसको खोलने की, देखो बंद है फिलहाल तो, लेकिन देखो जाल वाल वैसी लगी हुई है सलीम भाई। ये देखो ना, मतलब ज्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं है ना यार। देखो क्या बड़ा दरवाजा, मतलब ऐसा नॉर्मल दरवाजा नहीं लग रहा है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो कितना बड़ा सा दरवाजा है यार, और ये भी अच्छा खासा इसकी हाइट है। बस खाली थोड़ा रिपेयर हो जाता ना यार तो मजा आता, लेकिन आई थिंक अभी लोग यहाँ पे आते नहीं है तो लगता है डोनेशन वगैरह मिलता नहीं रहेगा। वही वजह है, अगर नहीं रिपेयर हो रहा तो उसकी कोई वजह है। इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी आ गई है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई लीगल प्रॉब्लम होगा। और बाकी ये इसका मेन दरवाजा है, 3 गेट इधर पे, वहाँ पीछे की तरफ एक एक गेट है। और ये देखो मैं कोशिश तो कर रहा था कि अंदर, और सलीम मैं देखते हैं अंदर कुछ दिख रहा है क्या? बोलिए ना, बंद है, मैंने खोल के देखा, कुछ भी नहीं है ना। ये देखो भाई कुछ दिखता नहीं है, तो पानी पड़ी हुई है। नहीं दिख तो रहे थे सलीम, थोड़ा सा दिख रहा तो है ना। बाथरूम जाने के लिए चप्पल है, साफ सुथरा है, ऐसा दिख रहा है भाई। सलीम आप खड़े हो ना तो यहाँ से दिख रहा है, देखो आप खड़े रहो, आपकी जो छाई है ना, हाँ ये, उससे दिख रहा है। काश ये अंदर देखने मिलता, लेकिन अभी इसके लिए हम लोग को पूरा 1-2 घंटा रुकना पड़ेगा, है ना? जी जी लगता है हम लोग कोशिश करेंगे दोबारा फिर यहाँ पे दोबारा अंदर से दिखाए।
बस थोड़ा खाली और साफ सफाई हो जाती ना भाई, तो थोड़ा अच्छी लगती है मस्जिद। देखो यहाँ पे लाइट वगैरह लगाई हुई है, गेट देखो ना, गेट नहीं बदले इन्होंने। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो पर्दादारी है। बहुत प्यारा लगा मुझे ऊपर से गुंबद देखो, ये इसका मेन गुंबद है भाई मस्जिद का। और सबसे अच्छी बात सामने हॉस्पिटल है कि जिसको दुआ चाहिए वो भी आ जाए यहाँ पर। अब सोचो कि ऐसे इलाके में जहाँ पे भाई इतनी बड़ी पार्किंग की जगह और ये खूबसूरत इतनी बड़ी मस्जिद, और छोटी मोटी नहीं है मस्जिद, आप देख रहे हो पूरे दो फ्लोर है भाई इसके ऊपर, ये एकड़ों में है। एकड़ में ना, हाँ मतलब दो एकड़ तो होगा। इतनी बड़ी मस्जिद, लेकिन यार एक थोड़ी सी सैड मुझे ये देखकर लग रहा है कि भाई लोगों का आना बनता है यार, मेरे को नहीं पता। और शायद से ये जो इलाका है ना भाई, यहाँ पर इतने मुसलमान नहीं रहते, मैं आपको सच में बताऊँ तो यहाँ पर लोगों की एक्चुअली आबादी भी कम है, इतने ज्यादा मुसलमान इस एरिया में रहते नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी मस्जिद तामीर करना, इतनी बड़ी मस्जिद बनाना भाई, ये बहुत बड़ी बात है और एकदम यूनिक चीज है। इसीलिए मैं आपको ना हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि यार मैं ना आप लोगों को इतनी यूनिक चीज बताऊंगा ना अमेरिका के बारे में कि शायद से आप लोगों ने ना कहीं इस तरीके की वीडियो देखी होगी। और मैं चाहता हूँ कि अब मेरे को यहाँ पर हूँ मैं तो आप लोगों को बताऊँ कि यार ऐसी ऐसी मस्जिदें भी कम है दुनिया के कोने में, ऐसी ऐसी मस्जिदें भी है जिसकी हिस्ट्री किसी को पता नहीं है, और वो जानना भाई हर एक मुसलमान का फर्ज बनता है। पता तो चले कि भाई दुनिया में और कैसी कैसी मस्जिदें हैं। तो ये देखो इसके यहाँ पर भी एक दरवाजा मुझे दिख रहा है, ये जो देख रहे हो दरवाजा, ये भी वैसे ही पुराना एकदम लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है। ये देखो थोड़ी सी वीरान लग रही है जगह, ये मतलब थोड़ी सी नहीं, मैं तो बोलूंगा भाई ये पूरी वीरानी लग रही है। बस एक चीज है कि भाई मेंटेन बहुत अच्छे से किया यहाँ पर मस्जिद को। ऊपर देखो, लेकिन ऊपर जो अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कोने की तरफ है ना भाई, तो जो हिस्सा है दीवार का वो थोड़ा टूटा 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 है, तो उसको मतलब लगता है कभी इसको रिपेयर हुआ नहीं है। 45 साल पुरानी मस्जिद यार, मतलब एक तो पहली बार अमेरिका में मस्जिद हुआ नहीं करती थी, अब ऐसी ऐसी जगह पर भी ये मस्जिद है। मुझे यहाँ पे आके दिखाने का आप लोगों को मौका मिला तो मेरे को अच्छा लग रहा है। इतने वीरान जगह पर मुझे नहीं लगता है कि भाई यहाँ पर मस्जिद को इतना कभी उसके बाद उसको मेंटेन किया, मतलब मेंटेन तो करा हुआ लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है। देखो पार्किंग लॉट वगैरह एकदम क्लीन चकाचक लग रहा है, लेकिन ऊपर मस्जिद की वो जो दिख रहा है ना हिस्सा, वो जो दीवार है ना, वो थोड़ा सा टूटा हुआ लग रहा है यार। और ये सब है ना मुझे उस जमाने की याद दिला रही है। सोचो सलीम भाई अभी इसको तामीर किए थे, उन्होंने तो अच्छा दिया बना के, लेकिन कौन कब तक कहाँ तक मेंटेन करेगा? अब एक डॉक्टर साहब अकेले हैं, जितना उनसे बन पड़ता है वो करते हैं, कोई सिटी का कुछ प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज ऐसा तो नहीं कि ये इतना टूटा रहे, इतना दिन तक टूटा रहे, कुछ तो रीजन होगा भाई सलीम। मैंने बहुत पते की बात पर है कि ऐसा ही नहीं है कि भाई ऐसी बन पड़ी है। लोग है ना यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते, लेकिन वो बता रहे नमाज के टाइम पे दो तीन बंदे लोग आते भाई, इतनी बड़ी मस्जिद, और दो तीन बंदे लोग आके चले जाते, आते नमाज पढ़ते और बंद करके चले जाते। अगर मस्जिद बंद पड़ी है रमजान के टाइम पे, तो ये वो एक वाहिद मस्जिद, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ भाई, रमजान के टाइम पे ऐसी वीरान और बंद पड़ी है। वजह एक मेरे जो सोच रहा हूँ, एक वजह ये हो सकती है कि भाई यहाँ पर लोग उतने मुसलमान ये एरिया में है नहीं, सेकेंड चीज ये पुरानी बहुत मस्जिद है, थर्ड ईद वगैरह की लेकिन यहाँ पर नमाज होती है, लोग आते भी रहेंगे जो मैंने अभी तक देखा नहीं हूँ, बिकॉज ये अभी कितना बज गया शाम के ना, ये ऑलमोस्ट अभी शाम के 4:15 हो रहे, आधे घंटे में असर का टाइम हो जाएगा, तो शायद से हमें लोग यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग यहाँ पर भाई इफ्तारी कर पाएंगे, या मैं आपको कुछ इफ्तारी का अंदर बता पाऊंगा। असर के टाइम पे आते रहेंगे लोग, क्या बोलते हो? यहाँ नमाज के वक्त पे तो कोई ना कोई तो आता ही होगा, नहीं तो मस्जिद से यही से आते होंगे, हॉस्पिटल से आते होंगे, डॉक्टर साहब अपने साथ एक आध आदमी को घेर के तो लेके आते ही होंगे। डॉक्टर साहब घसीट के लाते रहेंगे। अरे सलीम आपने वो देखिए, वो क्या लिखा हुआ है देखो वहाँ पे, यहाँ पे स्टे इन योर कार, स्टे इन योर कार, यार ये समझ में। अब हम लोग पता नहीं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं हम लोग गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, हम लोग की जो गाड़ी यहाँ पर पार्क है, ये मस्जिद के सामने हम लोगों ने भाई अपनी गाड़ी पार्क की है, यहाँ पर ये एक इलाका ये है, मतलब ऐसा रोड जैसा बना है, पार्किंग के लिए गाड़ियां है, और लगता है मुझे देखो ये घर जैसा, मुझे एक अजीब सा घर लग रहा है, पूरी जगह तो है मस्जिद की। हो सकता है कि जो इमाम साहब यहाँ रहते हो, इमाम साहब कोई रहता होगा यहाँ पहले कभी, पॉसिबल भाई, एकदम वीरान लग रही है, किसी ने लगा दिया, लीगल नोटिस लगा दिया है। अच्छा, तो या तो बंद हो गया है मस्जिद, या नमाज के वक्त खुलेगा प्लीज। अरे डॉक्टर इमाद लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है ये, क्या है? डॉक्टर इमाद आर अल बन्ना, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, और अमेरिका में ना भाई इन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखते, गोली मार देते पर्सनल प्रॉपर्टी पे, सीधा ठाए है ना, ठाए सीधा ठाए ठाए सीधा ठाए ऐसी गोली मारते वो लोग, तो भाई इसीलिए है ना, उनको उनको अलाउड है, आप कुछ नहीं कर सकते, किसी की प्रॉपर्टी पे लिखा रहता है कि आप यहाँ से गुजर नहीं, ट्रेसपासिंग है, अंदर से वो आपको एक दो बार आवाज देंगे कि भाई अंदर मत आओ, और फिर भी आप अंदर आ गए तो उनको पूरा अधिकार है कि ठाए कर देना। इसीलिए मैं भी थोड़ा दूर ही चल रहा हूँ भाई, ऑनेस्टली बताऊं तो, लेकिन ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो बहुत पुराने टाइप का घर लग रहा है सलीम भाई। हाँ पुराना है, पीछे देखो ना पूरा जंगल जैसा, जंगल देखो, पूरा डेक जैसा देखो पीछे, अपना फिल्मों के अंदर दिखते थे घोड़े भाग रहे, ये वही है, ये वही है, इसको बोलते घने जंगलात।
घने जंगलात घने जंगलात, अब तक तो अपना विरप्पन ऊपर बैठा होता विरप्पन वही कहीं होगा भैया। खूबसूरत लग रही है मस्जिद, इंसान यहाँ पर आ रहा है भाई, इतना शांति है, आराम से अंदर नमाज पढ़ के देखो ना, आप अंदर घूम रहे हो ना, कोई पुलिस है ना, कोई टोकने वाला है ना, कोई वॉचमैन खड़ा है ना, कोई ना कोई गार्ड खड़ा है, आराम से आप घूमिए, जानमाज बिछाइए, नमाज पढ़िए, आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल होगी, इतनी शांति है, इतना सुकून है यहाँ पे। मैं ये सोच रहा था सलीम भाई, 1974 में उस टाइम पे उन्होंने डोनेट किए थे $500,000। $500,000 कितने हो गए इंडिया के? ओहो, भूल जाओ। क्या खूबसूरत मस्जिद लग रही है, मस्जिद इतनी बड़ी सामने भाई, उसके सामने इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा झाड़, बस थोड़े लोग होते ना तो और मजा आ जाता। अब लोग पता नहीं, शायद नमाज के वक्त पे आएंगे भी तो कितने आएंगे, दो चार आएंगे, हम लोग आधा घंटा रुक के देखते हैं। हाँ, रुकेंगे क्यों नहीं, रुकेंगे आधा घंटा रुक के देखते, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट असर का टाइम हो ही गया। देखो पुलिस भी आ गई, वो देखो। अरे भाई पुलिस क्यों आई है, समझ में नहीं आ रहा, वो राउंड लगाने के आई लेकिन जा रही है अच्छा चेकिंग करने के लिए, भाई सब कुछ ठीक है क्या नहीं यहाँ पर। पुलिस देखो यहाँ खड़ी तो है भाई, पूछते बॉस हाउ आर यू, दिस मॉस्क इज क्लोज्ड, आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट, आई एम हियर फॉर प्रेयर बट आई ट्राई टू ओपन द डोर, इट्स क्लोज्ड, या इट लुक लाइक अ क्लोज्ड, there you go, hey my man, so this is America, we love police, oh, we're here for everybody, thank you, take care, dekho ye highlight, I hope so, that's what we are waiting for actually, thank you officer, yep, you guys take care. देखिए अमेरिका की पुलिस है, इसको देखने के बाद हम लोग की जान में जान आ गया कि चलो कोई तो दिखा। ये भाई लोगों ने यहाँ पे देखो पुलिस आदमी तो जान में जान आती कि भाई हम लोग के साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, है ना, होगा अच्छा होगा। अच्छा लगा कि भाई यहाँ पे लोग हिफाजत के लिए भी आखिर खड़े रहते, बिल्कुल, ताकि यहाँ पर कोई मस्जिद में कुछ करे नहीं भाई, क्योंकि वो देख रहे थे ना कि हम दो आदमी कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी कर रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उनको लगा ऐसा कि चलो जाके कम से कम मैं मस्जिद की हिफाजत करूं, कुछ बोलने का उनको अधिकार नहीं है, लेकिन देखो आके खड़े हो गए। सही बात, अगर कुछ गलत देखेंगे तो एक्शन लेंगे, रोकेगा, लेकिन उन्होंने कुछ गलत देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, बल्कि आप खुद जाकर उनसे बात किया। सही बात, तो वो तसल्ली शुदा हो गए। वो आया था यहाँ पे हिफाजत के लिए कि भाई दो बंदे लोग क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर, तो उसको भी लगा कि नहीं ठीक है, लो खाली फोटो वोटो ले रहे, बोला कि आई होप यहाँ पर कोई आ जाए तुम्हारे लिए, बोल रहा भाई बस मैं तो यहीं पे खड़े रह के देख रहा हूँ यहाँ पर, बस आई होप यहाँ पे कोई आ जाए, बिकॉज रमजान चालू है, उसको भी पता है कि भाई हमारा रमजान चालू है। बता, रमजान जो है हमारा सबसे फेमस मजहब है ना, बहुत फेमस, पूरी दुनिया में मालूम है कि रमजान सबसे फेमस है ना, सबको पता है, गोरे काले पीले हरे ब्लू सबको पता है। मेरे कितने हिंदू दोस्त यार भाई जो बोलते भाई मैंने इस बार तेरे साथ कोशिश करूंगा एक रोजा रखने की, ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ। मेरे भी सारे दोस्त इंडिया में, जितने भी इंडिया में हिंदू दोस्त हैं, मेरे दोस्त राजेश भाई हैं, सुनील गोलानी साहब हैं, और भी दो चार हैं जिसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, हालांकि छोटे में 35 साल हो गया, हम साथ में खाते पीते हैं, कोई शक शुबा नहीं है। सही बात, कोई तासुब नहीं है, कोई तेवरबाजी नहीं है। सही बात है, सब सही है, हम लोग चाहते ही है कि सब है ना आपस में मिल बांट के रहो। अब अमेरिका को भी जाने दो, आप दुबई चले जाओ, सब प्यार से रहते हैं, 2 घंटे की फ्लाइट में आप दुबई पहुंच जाओ, वहाँ कोई जात धर्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, सब सुकून से रहते हैं, एक घर में 4 जाति के लोग रहते हैं, एक खाना बना रहा है, एक बर्तन धो रहा है, एक कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये सही मानों में धर्म है। तो ऑलमोस्ट भाई ये मस्जिद को बनाने के लिए $500,000 भाई उन्होंने डोनेट किया था आज से 45 साल पहले, और उस टाइम पे $500,000 बहुत हो गया। अरे हाँ, $500,000 में आप आधा अमेरिका खरीद लेते है ना, इतना था, और $500,000 में आज भी घर खरीद सकते, बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा, और अगर आप लोग टेक्सास में चले जाओगे ना तो भाई वहाँ पे तो पूरा मेंशन खरीद लोगे। हाँ, फिर क्या, $500,000 में तो वहाँ तो पूरा मेंशन खरीद सकते हो। $500,000 कम नहीं होता है आज की तारीख में भी उसकी उतनी है, तो सोचो उस टाइम पे, मतलब अगर उस टाइम पे वो आंटी जा रही है, आप पूछते कौन है, आओ जरा पूछते भाई देखते कौन है, डॉक्टर तो नहीं, चालू कर दो भाई से डायरेक्ट, किसी को रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं है। हाँ। वो देखो जिसकी गाड़ी थी ना वो हमें दिख तो रहे, कौन है आदमी, पूछना पड़ेगा भाई यहाँ कौन टेक केयर करता है। रुक जाओ जरा बात करने की, व्हाट टाइम इज द फ्री टाइम, इट्स क्लोज राइट नाउ, इट ओपन्स अराउंड मगरिब टाइम, ओ मगरिब टाइम, हाउ अबाउट असर टाइम, देखो मतलब हम लोग सफर पे निकले आपको बताने के लिए, तो अल्लाह भी कैसा रास्ता बना देता, रास्ता बना देता है ना, तो अभी उन्होंने इस मस्जिद के बारे में बताया कि भाई यहाँ पर है ना सिर्फ और सिर्फ भाई तरावी की नमाज होती है, तरावी की नमाज है ना, और एक दिन इफ्तार होता है ना संडे के दिन, एक दिन इफ्तार होता है, करेक्ट, तो मतलब इफ्तारी खाना, मतलब तो फिर मतलब आज इफ्तारी नहीं हो पाएगा अपना, नहीं हो पाएगा आज, एक्चुअली हम लोग आए हुए मंडे के दिन, टाइम निकाल के भाई, हमारे पास टाइम था नहीं, हम लोग टाइम निकाल के सिर्फ आपके लिए वीडियो बना सके, सलीम भाई भी बिजी आदमी रहते, इसीलिए आप लोगों ने यार कॉमेंट अच्छे करे, प्यार और प्यार बांटे, अरे थैंक यू यार, प्यार बांटे, लाइक करें आप लोग वीडियो को, हम लोग को हिम्मत मिलती है कि फिर हम लोग ऐसी और वीडियोस आपके लिए बना के दिखाए, सही है गलत है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जो भी है वो सही है गलत है, जो भी है हम लोगों में जो भी खराबी है अच्छाई है आप उसको कमेंट करें बताएं, और कहाँ से आप लोग कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं वो भी जरा मेंशन कर दें, तो हम लोग की हिम्मत अफजाई हो जाएगी। अच्छा ये जो थे कौन,
ये पता नहीं यहाँ की इंचार्ज होगी, बिकॉज उन्होंने मस्जिद खोले नहीं, आपने बोले ना, बिकॉज इन्होंने बोले कि अगर अंदर देख सकते हो, बोले कि एक्चुअली फिलहाल तो बंद है, इसको इसकी अथॉरिटी नहीं होगी इसको, हाँ नहीं होगी अथॉरिटी, बिकॉज यहाँ पर ना भाई सब चीजें बहुत सिस्टम से चलती है, चीज कायदे कानून से होता है और डॉक्यूमेंट से होता है। अभी इसके लिए हम लोग को डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए अंदर जाने के लिए, वो एक जनरल बात बता रहे कि अमेरिका में काम होता कैसे। पुलिस अभी भी घूम रही है सलीम भाई, यहीं पर घूम रही है, मतलब चौकन्ना है वो। जी जी जी। और यहाँ पर ना भाई मस्जिद से लग के पूरा हाईवे है, बिल्कुल बिल्कुल हाईवे पर तो आगे भी दिखाते थोड़ा हाईवे वगैरह भी भाई, कि बस खाली यहाँ पर थोड़ी ज्यादा पब्लिक रहती ना तो अच्छा लगता, लेकिन हम लोग ने अच्छा फैसला किया कि यहाँ पर आए ताकि लोगों को एक पता भी चले कि भाई दुनिया में ऐसी ऐसी जगह भी है और ऐसी ऐसी मस्जिदें भी है। बिल्कुल है, ऐसी ऐसी जगह पे मस्जिद है कि जहाँ आप सोच नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे लोग आ नहीं रहे हैं तो मतलब घास वास बड़ी हो गई, कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, एक एक चीज वो क्लीन किया हुआ है, देखो पूरा घास वगैरह एकदम पतली छोटी। वैसे भी जो मैरीलैंड है ना वो बहुत रिच स्टेट है, ये कार्वेट काउंटी एक रिच काउंटी में से मानी जाती है। जी, जी, काउंटी जी। मतलब इंडिया में क्या हो गया अपना गांव है ना, गांव जिला, जिला है ना, तो एक जिला मतलब हो गया भाई, मतलब समझ लो काउंटी हो गया, समझ रहे हो क्या नहीं, तो ये यहाँ की रिच काउंटी है, इसलिए यहाँ पर मस्जिद में भाई साहब ने डोनेट भी ऐसी कर दिया उड़ा के ले भाई पकड़। हाँ। यहाँ तो बहुत अमीर लोग, इतने इतने अमीर लोग हैं कि मिलियन मिलियन डॉलर तो वैसे ही दे देते हैं, है ना, अभी भी बिल्कुल बिल्कुल अभी भी देते हैं, अभी भी देते हैं, राइट बिल्कुल देते हैं। आप हमारी मस्जिद में आ जाओ, मेरे ख्याल से अपना फंड रेजिंग है, दो चार घंटे में 5 लाख रुपए जमा हो जाएगा। क्या बात है, 5 लाख डॉलर, डॉलर दो, 5 लाख डॉलर तो इंडियन रुपीस समझेंगे, या तो माशाल्लाह यहाँ लोग लुटाने वाले हैं, देते भी दिल से है। तो ये भाई वो हाईवे, मेन हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मेन हाईवे पर लगकर भाई यहाँ पर ये खूबसूरत सी भाई मस्जिद बनाई हुई। आप लोग बताना ये वीडियो आप लोगों को लगा कैसा, ये जानना हमारा बनता ही है भाई। ये देखो इतना पुराना है कि यहाँ पर लाइट वगैरह भी देखो पूरी वायरिंग वगैरह पूरी जंग पड़ गई, अंदर लाइट भी नहीं, पानी भर गया पूरा अंदर, कौवे वगैरह आके पानी पीते रहेंगे। हाँ, बस उन्हीं की दुआएं चल रही है। और यहाँ तो वैसे भी जगह जगह पे परिंदों के खाने पीने का इंतजाम है। और ये देख रहे हो ना आप, ये विंडो ये थोड़ी है ना ईरान इराक की मुझे याद दिला रही है, उधर की लगती है। ये जो पूरा डिजाइन किया गया ना मस्जिद को, ये पूरा ईरान इराक के हिसाब से पूरा डिजाइन किया गया। हाँ, तो अरबी लोग है ना वो तो। और साथ ही साथ में मस्जिद का ये जो गुम्बद का कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा भाई, हरा कलर की, मतलब जो मतलब मोस्टली मस्जिदों में होता है कलर है ना, वो घर वहां पे जिसकी बात कर रहे थे, ये पार्किंग लॉट पूरा यहाँ पर, वहां हाईवे और भाई ये बीच में खूबसूरत सी मस्जिद, काश अंदर देखने मिलता ना यार, मतलब मैं बता रहा हूँ दिल खुश हो जाता मेरा, क्या बोलते हो। लेकिन आई थिंक हम लोग जितना कोशिश कर सकते थे कि आपको जितना डिटेलिंग में बता सके भाई कैसी है मस्जिद, हम लोग सोचे कि आपको एटलीस्ट बता दे, बस इत्तेफाक से अंदर जाने को नहीं मिला। हम लोग देखो असर तक मगरिब तक यहाँ पर रुकने के लिए तैयार है, लेकिन भाई वो बता रहे डायरेक्टली कब आएगा, तरावी में, ऑलमोस्ट रात के 9 बजे एग्जैक्टली। अभी कितना बज रहा है, अभी कुछ बज रहे 4:30, इफ्तारी का तो इंतजाम ही नहीं है यहाँ पर, लोग ही नहीं है ना यहाँ पर, और गाड़ी में खजूर भी देंगे, तो आई थिंक हम लोग को निकलना चाहिए घर की तरफ, लेकिन अगर अभी वेट करने के लिए 5 घंटा रुकना पड़ेगा भाई, और मुझे यहाँ पे कोई आस पास रेस्टोरेंट वगैरह भी दिख नहीं रहे, और रात में रुक कर तो मतलब है नहीं, अगर दिख भी जाएगा तो अपने काम करेंगे, हाँ हलाल नहीं मिलेगा, सही बात बोले। और अगर यहाँ पे सपोज रुक भी जाते हैं, और जैसे यहाँ पे लोग आते नहीं है, उन्होंने क्या बताया कि मोस्टली संडे को यहाँ पे इफ्तारी होती है, क्या पता आज कोई आए भी ना, यहाँ तक आया इतना बता दिए, काम कोई यहाँ से निकलते वरना हम लोग इफ्तारी के लिए घर पर रहना लेट हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम यहाँ पर आके ना लोगों को बता पाए कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसी चीजें भी है। और ये देखो यहाँ से भाई नीचे जाने का है पूरा डेक का, और पूरा अंदर देखो तो सही यार, पूरा अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है दूर दूर तक, देख रहे हो सलीम भाई, घने जंगल, और गर्मियों में पूरे ना पूरे हरे भरे हो जाते, और जब हरे भरे होते ना भाई तो ये और खूबसूरत लगता है, हरा भरा होते ही नहीं, ये तो हर हाल में खूबसूरत लगता है ना, जंगल में पत्ते हो तो खूबसूरत दिखता है, पत्ते नहीं हो तो खूबसूरत दिखता है, है ना? इसकी खूबसूरती का आप खुद ही अंदाजा लगा लो। तो बस एक छोटा सा ब्रेक लिए भाई, ब्रेक में तो घर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि गैस भरवा, तो गैस खत्म हो गया था, और छोटा सा गांव जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, छोटी सी काउंटी जहाँ पे हम लोग आए हुए ये मस्जिद के लिए, तो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखो एकदम प्रॉपर कंट्री साइड, छोटा सा गैस स्टेशन, अभी यहाँ से गैस भराते और चलते हैं भाई। तो अभी जस्ट यार इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ सलीम भाई को यहाँ पर, मैं भी घर की तरफ निकल रहा हूँ, बड़ा मजा आज का दिन, बड़ा आज का दिन बहुत मजा आया, बड़ा एंजॉय किया, और आज का भी वीडियो आप लोग देखेंगे आप लोगों को बहुत मजा आएगा, और प्लीज खुदा के वास्ते सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा है बुरा है सही है एक बार हमको बता दो, कहाँ से बोल रहे हो ये भी जरूर बता दो, बता देना, तो ये हम लोगों के लिए हिम्मत अफजाई की बात होगी। बहुत जल्दी हम लोग आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं यारो, लाइक जरूर कर देना, सलीम मैंने बताया, कमेंट करके बताइएगा, आई थिंक दैट्स अबाउट इट, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।